हाँ तुम ये डाल लो। सो गाइज, ये एक अनप्लान ट्रिप है, इसलिए मैं इसका इंट्रो बाद में शूट कर रही हूँ। हम जाके आ चुके हैं, फिर मैं ये इंट्रो बना रही हूँ। हम गए थे गरम धर्म ढाबा, जो कि यहाँ गाजियाबाद में शायद न्यू खुला हुआ है, और ये बिल्कुल ही अनप्लान विजिट थी हमारी वहाँ के लिए। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ही बताया था कि हम कहाँ जाने वाले, और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए थे यहाँ हमारे साथ। एंड बाय द वे, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड बोल लीजिए, या स्कूल फ्रेंड बोल लीजिए, मेरी जान है। तो आई थिंक आप पहले भी मिल चुके हैं इससे। मेरे मेन चैनल पर बी यू बी कॉन्फिडेंट पर मैंने इसके साथ में एक व्लॉग बनाया था, जो कि सरोजनी व्लॉग था, और आज दोबारा शिखा मेरे साथ मेरे व्लॉग चैनल पर आई है। शिखा, वेलकम टू माई व्लॉग चैनल। चुपके। सो ये है गाइस गाजियाबाद का गरम धरम प्योर वेजिटेरियन ढाबा, जो कि मोहन नगर एरिया में लोकेटेड है, और आप इसको गूगल पर इजीली सर्च कर सकते हैं। यहाँ का नेविगेशन आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप यहाँ कभी नहीं आए हो तो। एंड ये रिसेंटली ओपन हुआ है, लाइक 3 to 4 months बैक, जैसा कि हमें बताया गया वहाँ जा करके। एंड अंदर से कुछ इस तरह का एम्बियंस है। अगर आप गाइज मुरथल वाले गरम धरम ढाबा में गए हुए हो तो ऑलमोस्ट उसी के जैसा सिमिलर है। एंड अंदर में आपको ज्ञानी भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपने लिए शेक्स एंड ऑल सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हो, डेजर्ट्स वगैरह। एंड दिस इज़ द एम्बियंस, जो अंदर का एम्बियंस है इस तरह का है। कहने को तो ये ढाबा है, बट इट इज़ टोटली अ रेस्टोरेंट। एंड जैसा कि ढाबे का नाम है गरम धरम रेस्टोरेंट, तो ये पूरी तरह से धरम जी को डेडिकेटेड है। उन्हीं की मूवीज़ के पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन्हीं की इमेजेस आपको अंदर दिखेंगी, उन्हीं के सॉन्ग्स बज रहे थे पूरे टाइम में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो उनके डायलॉग्स हैं, वो वहाँ के जो अटेंडेंट्स थे जो वहाँ सर्व कर रहे थे, तो उनकी बैक पर जो उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी, वो ऑलमोस्ट उन्हीं के फिल्मों के डायलॉग से कुछ ना कुछ मिलती जुलती थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमें।
खा पी के निकल चुके हैं गरम धरम ढाबा से घर की तरफ। और खाना कैसा था? बहुत ही अच्छा, यम्मी। खाना खाने के बाद भी इतनी कम आवाज है, प्लीज थोड़ा एनर्जी से बोलो। हम नहीं करेंगे, वो गंदा लग रहा है हमें नहीं। खूब मजे किए, हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया, मतलब जो वहाँ का सिग्नेचर फूड बोल लीजिए, जो वहाँ की एक स्पेशलिटी, सरसों का साग विद मक्के की रोटी खाई हमने वहाँ पर। और बहुत ही अनप्लान्ड ब्लॉग था या अनप्लान्ड विजिट थी हमारी वहाँ के लिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और फ्रेंड्स के साथ तो कोई भी विजिट हो, कोई भी ट्रिप हो, मज़ेदार हो जाती है। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें।